हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के इलाज के बारे में कि बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, इसको कैसे कम किया जाए, कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल ए टू जेड पूरा बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और अगर आप लोग मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तब तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से ए टू जेड रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक प्रकार का फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक वसा होता है, जैसे कि वैक्सी सबस्टेंस, जैसे कि मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो कि हेल्प करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, हार्मोन्स को बनाने में, विटामिन डी को बनाने में, ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये क्या होता है, ये कैसे बनता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेनली दो सोर्सेस के द्वारा ये बनता है। जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो हमारा खाने के द्वारा, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे भोजन के द्वारा भी ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, और लीवर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है। लेकिन जो लीवर होता है वो हमारे शरीर के नीड के हिसाब से, हमारे शरीर के ज़रूरत के हिसाब से ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर के आवश्यकता के हिसाब से ये बनाता है। लेकिन जो हम भोजन खाते हैं वो जो ज़रूरत नहीं होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल बन जाता है और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ने लगता है, क्योंकि दो दो सोर्सेस से आ रहा है ना। अगर केवल लीवर ही बनाता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तब हमारा लीवर जो होता है हमारे शरीर के नीड के हिसाब से ये बनाता। लेकिन जब भोजन के द्वारा भी ये बन रहा है तो इसी के माध्यम से ये बढ़ जाता है। शुद्ध हिंदी भाषा में जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग जान सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा होता है, जैसे कि मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के कोशिका झिल्ली, कई प्रकार के हार्मोन्स, विटामिन डी को ये बनाने में मदद करता है। और हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल दो स्रोत से आता है। सबसे पहला तो जो हम भोजन खाते हैं उसके माध्यम से आता है, दूसरा जो होता है वो हमारा लीवर बनाने का काम करता है, और लीवर जो बनाता है कोलेस्ट्रॉल वो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसको बनाता है। तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल, और इसी के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कैसे कोलेस्ट्रॉल बनता है ये तो आप लोगों को पता चल गया, दो सोर्स के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल बनता है। बात यहाँ पर आता है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उनका वेट बढ़ने लगता है, वेट गेन होने लगता है, वजन उनका बढ़ने लगता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज देखा जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम देखे जाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंजाइना देखा जाता है, मतलब सीने में उनके दर्द देखा जाता है। क्यों देखा जाता है सीने में दर्द, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को सप्लाई कम करता है, सप्लाई करने में प्रॉब्लम होने लगता है और ब्रेन स्ट्रोक होने लगता है। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इनमें ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, तो आप लोगों को मैंने, अगर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में मान लीजिए कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी तक आप लोगों को बहुत ही बेसिक नॉलेज दे रहा था कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, किन स्रोतों के द्वारा बनता है। तो दो स्रोत के द्वारा बनता है, एक तो जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, दूसरा जो हमारा लीवर होता है वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है। लेकिन जो लीवर होता है वो कैसे बनाता है, वो हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से वो बनाता है कोलेस्ट्रॉल को, ये भी बात आप लोगों को बता दी। उसके बाद आप लोगों को बताए हैं कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो ये सारी बात अभी आप लोगों को एकदम बेसिक नॉलेज बता दिया हूँ। अब आप लोगों को इसके इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो अब आप लोगों को मैं मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से देखते हुए एकदम अच्छे से चलना आप लोग, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों की बात करें तो केवल और केवल एट्रोवास्टिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अब आप कहेंगे केवल एट्रोवास्टिन ही होता है, तो एक ही दवा नहीं है, एट्रोवास्टिन इसका नाम है और इसी नाम से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। अभी आप लोगों को सारी की सारी दवाइयों के बारे में बताएंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एट्रोवास्टिन को तोड़ करके समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। एट्रोवास्टिन तो ये जो होता है
इसका मतलब होता है, स्टैटिन का मतलब होता है स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब होता है रोकना। ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको ये रोक देता है और धीरे धीरे करके उसको ये कम करने का काम करता है। स्टैटिन जो होता है ये ग्रुप का मेडिसिन होता है जो कि हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होता है। मतलब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो मतलब लिपिड का मात्रा बढ़ गया है, हाइपरलिपिडेमिक जिसको बोला जाता है। तो अगर हाइपरलिपिडेमिक लिखा गया है तो मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो मेडिसिन होता है ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होता है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताया था पहले ही, और एक बार फिर से बता देता हूँ कि हाइपर का मतलब क्या होता है और हाइपो का मतलब क्या होता है। और आप सभी लोग यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए कि हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम होना। ये दो बात आप लोगों को अगर पता रहेगा तो कहीं पर भी अगर ये सारी चीज़ लिखा रहेगा, जैसे कि एट्रोवास्टिन जो मेडिसिन होता है ये एक प्रकार का हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होता है, मतलब हाइपो का मतलब कम, लिपिडेमिक मतलब लिपिड, तो लिपिड को कम करने वाली ये मेडिसिन होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, जो कि ये लिपिड को कम करने वाली मेडिसिन होता है। ये बात आपको समझ में आ गया ना, तो ये बातें हो गई एट्रोवास्टिन मेडिसिन के बारे में। अब आप कहेंगे कि केवल एट्रोवास्टिन ही होता है, केवल एक ही मेडिसिन होता है, तो एट्रोवास्टिन के नाम से बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि एट्रोवास्टिन जो होता है ये हाई डेंसिटी लिपिड होता है, जो कि इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और इसके अलावा जितने सारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ये कम करने का काम करता है एट्रोवास्टिन मेडिसिन। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एट्रोवास्टिन मेडिसिन का काम क्या होता है, तो आप एकदम आसान भाषा में उनको बता सकते हैं कि एट्रोवास्टिन जो मेडिसिन होता है ये क्या होता है, ये हाई डेंसिटी लिपिड होता है, मतलब इनका मेन काम होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, और इसके अलावा जितने सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं लो डेंसिटी के और भी जितने बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ये कम करने का काम करते हैं। बस आपको यही बात है, थोड़ा सा जानकारी रहना ही चाहिए। अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिरकार शुगर के मरीज का ही कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, शुगर की वो मरीज हैं, तो शुगर के मरीज तो हैं, ठीक है, उनका ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका बढ़ा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, तो उनका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज रहता है तो उनका होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि दोस्तों, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है। यहाँ पर आपको समझना है, ये हमारा हो गया ब्लड और ये हो गया सेल। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा तो सेल में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा। यहाँ पर दोनों बात समझिए, ये ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हमारे सेल में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होने लगेगा। तब क्या होगा, तब ये होगा कि सेल एनर्जी के लिए, जो हमारे सेल्स होते हैं, जब इसमें ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा तो एनर्जी के लिए क्या करेगा, ये तो एनर्जी के लिए फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसका यूज करने लगेगा। और जब ये फैट प्रोटीन का यूज करने लगेगा सेल्स, तो क्या होगा, इसकी वजह से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये टूटने लगेगा। और जब ये टूटने लगेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ कि ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो सेल में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ये बातें समझ में आया ना, इसमें बढ़ा तो इसमें कम हो गया। अगर मान लीजिए सेल में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो सेल एनर्जी के लिए क्या यूज करेगा, तो सेल जो होगा एनर्जी के लिए फैट का यूज करने लगेगा, प्रोटीन का यूज करने लगेगा। और जब ये फैट प्रोटीन का यूज करने लगेगा तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसकी वजह से ये टूटने लगता है। और जब टूटने लगेगा तो इसी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दो दो बार इसके बारे में बता चुका हूं अभी इसी वक्त। अब बात करते हैं कि एट्रोवास्टिन के बारे में, आपने एक मेडिसिन बताया तो क्या एक ही मेडिसिन होता है, दोस्तों एक मेडिसिन नहीं होता है, एट्रोवास्टिन के बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। जैसे कि देखिए, यह है टूनेक्ट, ये है एट्रोबेस्ट, ये है लिपिस क्योर, ये है एट्रोलिप, ये है क्या है,
ये एट्रोवेस्टिन इसका नाम नहीं है, ठीक। और ये स्टेटर आप देखिए आप सभी लोग, एट्रोवेस्टिन ये भी है, एट्रोवेस्टिन ये भी है, एट्रोवेस्टिन ये भी है, और ये भी एट्रोवेस्टिन है, ये भी एट्रोवेस्टिन है, और ये भी एट्रोवेस्टिन है। इनमें बदलाव ये है कि ये दूसरे कंपनी का, दूसरे इसका नाम केवल अलग है। इसमें बदलाव केवल इनके नाम का है और इनके एमजी का है। जैसे कि ये 40 mg का है, ये 10 mg का है, ये 40 mg का है, ये भी 40 mg का है, ये आपका देखिए 80 mg का है और ये 10 mg का है। तो इसी हिसाब से आपको पता रहना चाहिए कि कितने एमजी लेना है और कितने एमजी नहीं। अगर हम डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से 10 mg से लेकर के 80 mg के बेस में बीच में दिया जाता है, वो भी दिन भर में केवल और केवल एक टेबलेट दिया जाता है, जो कि डिपेंड होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है, और उसी लेवल को देखते हुए पेशेंट को दिया जाता है कि कितना एमजी देना है, 10 mg देना है कि 20 mg देना है कि 40 mg देना है कि 80 mg देना है। वो सारी चीज़ें डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर। ये बातें समझ में आ गया। एट्रोवेस्टिन जो होता है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। अभी आप लोगों को मैंने सादा केवल और केवल एट्रोवेस्टिन के बारे में ही बताया हूँ, लेकिन इसका एक मेडिसिन और भी बताऊँगा जिसमें दो कॉम्बिनेशन मिले हुए रहते हैं। एक तो एट्रोवेस्टिन रहेगा और प्लस एक चीज़ और रहेगा, दो चीज़ मिले हुए रहते हैं जो कि वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी का बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन उसको जानने से पहले ये सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर किसी को ये दवा अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो पेशेंट के अंदर SGOT SGPT इनका लेवल बढ़ सकता है, तो उस पेशेंट को लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए जिससे पता चल जाए कि क्या पेशेंट का SGPT या फिर SGOT का लेवल बढ़ा तो नहीं ना है। उसको कंफर्म करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है जिसके माध्यम से कंफर्म हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने एट्रोवेस्टिन मेडिसिन खाया है तो कभी कभी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे पेट फूल जाएगा, पेट में गैस बन जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, जलन होगा, पेट में सूजन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं अगर ये दवा अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो। बात यहाँ पर आता है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, तब क्या करते हैं, तब कम्बिनेशन वाले मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, दो चीज़ के कम्बिनेशन वाले। आप कहेंगे कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन का मतलब होता है A+B, ये दो चीज़ मिल करके, दो प्रोडक्ट मिल करके एक मेडिसिन बना हुआ है, तो इसको हम लोग कम्बिनेशन वाले मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तब एट्रोवेस्टिन प्लस फिनोफाइब्रेट, ये दो चीज़ मिल करके मेडिसिन बना हुआ रहता है और ये सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एट्रोवेस्टिन और फिनोफाइब्रेट जो मिला रहता है ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको ये केवल दो बात बताएं ना, यही दो बातों को आप याद रखना और सारी दवा का नाम आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्ट यफ लिखा गया है, यहाँ पर टीजी गोल लिखा गया है, यहाँ पर एट्रोलिप यफ लिखा गया है, यहाँ पर स्टेटर यफ लिखा गया है, यहाँ पर फाइब्रेटर लिखा गया है, तो सबके नाम अलग अलग हैं लेकिन सबका जो कंपोजिशन है वो यही है, एट्रोवेस्टिन एंड फिनोफाइब्रेट। सबका कंपोजिशन क्या है, यही है, एट्रोवेस्टिन एंड फिनोफाइब्रेट, एट्रोवेस्टिन एंड फिनोफाइब्रेट, एट्रोवेस्टिन एंड फिनोफाइब्रेट, सबका कंपोजिशन एक ही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, वो सारी बात आप लोग बताइएगा। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, सर्च करते ही आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप वहां पर हमें फॉलो करके और डायरेक्ट आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें 6000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, उसमें भी जुड़ने के लिए चैनल का जो नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, पूरा सर्च करोगे तभी कुल सब जगह मिलेगा, SOP सर्च करोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, ये सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हर जगह। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।